नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सहित एक नक्सली भी मारा गया। झारखंड के लातेहार जिले के सलिया जंगल में सुरक्षा बलों के झारखंड जन मुक्ति परिषद के उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, इसमें एक नक्सली मारा गया है। साथ ही बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। वे झारखंड जगुआर में सेवारत थे। मुठभेड़ में घायल होने के बाद डिप्टी कमांडेंट राजेश को लातेहार से हेलीकॉप्टर से रांची के मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर सुरक्षा बलों ने मौके से 6 हथियार बरामद किए हैं। पूरे इलाके में सर्च अभियान अभी जारी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि सलिया जंगल में जेजेएमपी के उग्रवादी जुटे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना पर झारखंड जगुआर की स्मॉल एक्शन टीम जंगल में सर्च अभियान में पहुंची तो उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना साधते हुए गोलियां दागना शुरू कर दी। स्मॉल एक्शन टीम का नेतृत्व बीएसएफ के ड्यूटी कमांडेंट राजेश कर रहे थे। उग्रवादियों की गोली से राजेश जख्मी हो गए थे। रांची लाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार बिहार के मुंगेर जिले के लाल दरवाजा का रहने वाले थे। इनके पिता का नाम लाल बहादुर राय है। झारखंड जगुआर में इन्होंने 7 सितंबर 2018 को योगदान दिया था। राजेश कुमार 12 नवंबर 2007 को बीएसएफ की नौकरी में आए थे। झारखंड की 3 जातियां आदिवासी में होंगे शामिल, टीएसी की बैठक में लिया गया फैसला। आदिवासी की सूची में कुछ जातियों को शामिल करने पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी में सहमति बनी है। भुयर मुंडा, कपाट मुंडा, चीक बड़ाइक, लोहरा जाति को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। विधायक बंधु तिर्की ने टीएसी की बैठक में यह मामला उठाया। इसमें दूसरे सदस्यों की भी सहमति थी कि कुछ जातियां आदिवासी की सूची से छूट गई है। इनकी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता आदिवासियों से जुड़ी है। बैठक में कहा गया कि इन जातियों को आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए जल्द से जल्द अनुशंसा की जाए। झारखंड के पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ा तो झारखंड सरकार पर आएगा 50 करोड़ से ज्यादा का बोझ। झारखंड के पारा शिक्षकों के वेतनमान स्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के बाद वे इसी सप्ताह पारा शिक्षकों के संगठन को प्रस्ताव का प्रारूप दे देंगे। पारा शिक्षक प्रस्ताव को अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे पता चल सके कि इसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान व्यवस्था की गई है या नहीं। बिहार की तर्ज पर जो कुछ छूट गया होगा उस ओर पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री और विभाग का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। प्रस्ताव की कमियों को पारा शिक्षकों के संगठन लिखित रूप में शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग पारा शिक्षकों के उन सुझावों को प्रस्ताव में अंतिम रूप से जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की ओर से अंतिम सहमति दिए जाने के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्री और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आप सबको बता दूं कि राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान तथा 2000 से 2400 का ग्रेड पे और राज्य कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता मिलेगा। यह राशि सातवें वेतनमान के प्रावधानों के अनुरूप दी जाएगी। इससे पारा शिक्षकों को हर माह मिल रही राशि में 9000 तक का इजाफा होगा। इससे हर माह राज्य सरकार पर 52 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ने की संभावना है। सीएम हेमंत सोरेन विकास योजना की करेंगे मैराथन समीक्षा। बैठक में सभी कमिश्नर, उपायुक्त और एसपी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को लेकर 30 सितंबर को मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 16 प्रमुख विभागों की होने वाली बैठक में राज्य के सभी प्रमंडल आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बैठक का एजेंडा तय करते हुए इसकी सूचना संबंधित विभागों और जिलों को दे दी है। आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, फूलोजानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम, पोटो हो खेल और 15 वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की होगी समीक्षा। झारखंड में जेएसएससी परीक्षा में हिंदी भाषा जोड़े जाने की उठी मांग, रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी परीक्षा की नई नियमावली में हिंदी भाषा को जोड़े जाने की मांग उठी है। इसको लेकर एकता विकास मंच नाम की संस्था ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली सह सामाजिक संस्थान एकता विकास मंच सरायकेला में कार्यरत है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता रितु कुमार ने यह याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि हिंदी भाषा बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को हटाकर कम लोगों के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को शामिल करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। एकता विकास मंच के पहले भी झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा के मुताबिक रमेश हंसदा और अन्य की ओर से रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें नई नियमावली को रद्द करने की मांग की गई है। झारखंड के आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र जीवन भर रहेगा वैध। आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र अब एक ही बार बनेगा और आजीवन वैध रहेगा। वहीं जनगणना में सरना धर्म कोड का कालम रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजेगी। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में TAC के सदस्य प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आप सबको बता दूं कि सोमवार को झारखंड जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 11 एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में उप समिति बनी है। उप समिति में चमरा लिंडा, दीपक बरवा, बंधु तिर्की और भूषण तिर्की भी रहेंगे। यह उप समिति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को कृषि, गृह तथा शिक्षा ऋण सहित बैंकों से विचार विमर्श कर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नियमों में सुधार तथा राज्य में अनुसूचित जनजाति धारित पूर्व एवं वर्तमान भूमि अधिग्रहण का अध्ययन कर TAC को रिपोर्ट सौंपेगी तथा इस संबंध में उप समिति TAC को परामर्श भी देगी। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के दक्षिणी भाग में गुलाब चक्रवात का असर, कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में चक्रवात गुलाब का असर आज से दिखने को मिलेगा। वर्तमान में चक्रवात डीप डिप्रेशन के रूप में दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ है। इसके कारण राज्य के दक्षिणी जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मध्य और अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बना एक दूसरा चक्रवात पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण राज्य में 29 और 30 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रही। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश गढ़वा में 40.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में ही रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में कांटा टोली ओवरब्रिज के निर्माण को स्वीकृति, कांके में 113 करोड़ से बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। रांची के कांटा टोली ओवरब्रिज के निर्माण को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा रांची के कांके के सुकुरहुट में 113 करोड़ रुपए से ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। कोडरमा जिले के झुमरी तलिया में जलापूर्ति योजना के लिए 115 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। आप सबको बता दूं कि मानसून सत्र के बाद कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है। झारखंड की हेमंत सरकार पिछले कई दिनों से लगातार बैठकें कर रही है। सोमवार को TAC की बैठक भी थी। अब अगले दो दिन बाद मुख्यमंत्री सभी विभागों की बैठक करने वाले हैं। JPSC के 326 अधिकारियों को मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। छठी JPSC परीक्षा परिणाम को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट खंडपीठ ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 326 अधिकारियों को राहत दी है। छठी JPSC परीक्षा परिणाम को लेकर एकल पीठ के द्वारा रद्द कर फिर से नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। डबल बेंच ने मामले में सुनवाई के उपरांत एकल पीठ के आदेश पर अगले आदेश तक के लिए रोक जारी रखा है। अदालत ने 5 अक्टूबर की तारीख को मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तय किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को अपनी अपनी दलील पेश करने के लिए 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। अब अगली तिथि को विस्तृत सुनवाई होगी। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया टीका एक्सप्रेस। झारखंड सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पुराना विधानसभा के बगल स्थित मैदान ध्रुवा रांची से COVID-19 वैक्सीन ड्राइव यानी टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में COVID-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से आज 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को राज्य के विभिन्न जिलों में रवाना किया जा रहा है।
ये सभी वैन टीका एक्सप्रेस के रूप में टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से आने वाली संभावित चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी की गई है। राज्य के सभी जिलों में टीका एक्सप्रेस चलाकर छूटे हुए लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम आज से शुरू हो रहा है। इन टीका एक्सप्रेसों की मदद से लोगों को टीका लेने में सहूलियत होगी। लोगों को यह सुविधा उनके घरों पर ही उपलब्ध होगी। रेल मंत्री ने जेसीडी गोवा एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। बाबूलाल और दीपक प्रकाश बने यात्री। झारखंड के देवघर के नजदीक जेसीडी रेलवे स्टेशन से वास्को दा गामा यानी गोवा के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नई दिल्ली से ऑनलाइन जेसीडी में ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद ट्रेन वाया धनबाद वास्को दा गामा के लिए चल पड़ी। पहले दिन झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस ट्रेन की सवारी की। दोनों जेसीडी से ट्रेन पर सवार होकर रांची के लिए निकले हैं। इस मौके पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास, सारठ के विधायक रणधीर सिंह भी उपस्थित थे। झारखंड में जाति आधारित जनगणना बनेगा बड़ा मुद्दा। दीपक प्रकाश की भागीदारी से भाजपा में हलचल। जाति आधारित जनगणना को सत्तारूढ़ गठबंधन झारखंड में बड़ा मुद्दा बना सकता है। रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि यह संभव नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले शिष्टमंडल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की भागीदारी राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा में सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि जाति आधारित जनगणना पर केंद्र सरकार के स्पष्ट रुख के बावजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सर्वदलीय शिष्टमंडल का हिस्सा बने। हालांकि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी उसे स्वाभाविक मानते हैं। उनका कहना है कि शिष्टमंडल के साथ जाने में कोई परेशानी नहीं है। जाति आधारित जनगणना पुराना मसला है। 2011 में जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तब भी यह मांग उठी थी। उस समय यूपी ने उसे ठुकरा दिया था। इधर कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से इस संबंध में आग्रह किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के मुताबिक अगर इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया तो सत्याग्रह होगा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के मुताबिक अगर इस पर सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया तो सत्याग्रह होगा, यानी कांग्रेस ने इसे आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। रांची में होगा सिनेमा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022, पोस्टर किया गया जारी। राजधानी रांची में जनवरी 2022 में सिनेमा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई अभिनेता शामिल होंगे। यह जानकारी देते हुए फिल्मोनिया के एंटरटेनमेंट निदेशक गौरव ने बताया कि बिहार में चंपारण फिल्म फेस्टिवल का सफल आयोजन किया गया है। इसके बाद अब फिल्मोनिया एंटरटेनमेंट फिल्मोनिया म्यूजिक की ओर से रांची में जनवरी 2022 में सिनेमा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसमें बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां जूरी मेंबर और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेगी। चंद्रकांता के क्रूर सिंह के रूप में मशहूर अखिलेंद्र मिश्रा फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। अखिलेंद्र मिश्रा ने विरगति, सरफरोश, गंगाजल, रेडी और लगान जैसे कई बड़े फिल्मों में अभिनय किया है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।